सो गाइस, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हम एक डिलीवरी मैन बन चुके थे, पर हमें वहाँ से बिल्कुल भी पैसा नहीं मिल रहा था। पर ऐसा अब नहीं होगा, हम एक दिन में इतने करोड़पति बनेंगे कि किसी ने सोचा नहीं होगी, क्योंकि हम करने वाले हैं चोरी। और गाइस, अभी हो रही है शाम, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अमीर होने का, तो हमारे पास बस एक ऑप्शन बचा है कि हम अपने टाउन में एक बहुत अमीर आदमी है उसके वहाँ चोरी करेंगे। गाइस, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमें चोरी करना मतलब क्या करें गाइस। तो गाइस, वैसे भी उसके पास काफ़ी सारा पैसा है और आज वो घर में भी नहीं है, तो हम एक दिन में मालामाल बनने वाले हैं और सब सो रखे हैं, फटाफट चलते हैं। गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं उसके घर में, कोई है तो नहीं, वैसे तो कहीं बाहर गए हो, तो पहले ऊपर चलते हैं, ऊपर कुछ है। अरे यार, यहाँ तो कोई नहीं है, वैसे मुझे पता था कि यहाँ कोई नहीं होगा। वैसे इन्होंने अपनी अलमारी रखी कहाँ यार, यहाँ तो कोई भी डब्बा नहीं है, कोई अलमारी नहीं है यार, कहाँ रख देते हैं यार ये पैसे यार, इतने अमीर होके पता नहीं क्या करते हैं इन पैसों से। रुकना, नीचे दो डब्बे थे, पहले ये वाला डब्बा चेक करता हूँ, इसमें कुछ, अरे भाई इसमें नहीं है, रुकना दूसरे में पक्का होगा, इसमें तो होगा यार, इसमें भी नहीं है, गाइस तीसरे में इसमें भी नहीं है, पर इसमें एक मैप है, ये तो खजाने का मैप है गाइस, हमें खजाने का मैप मिल गया। और ये मैप तो हमारे टाउन के बगल वाले घर का है, मतलब वहाँ विलेज है, बहुत बड़ा विलेज है। गाइस, हमें खजाने का नक्शा मिल चुका, फटाफट चलते हैं वहाँ और खजाना लूटते हैं। और गाइस, सुबह चुकी है, सुबह फटाफट हम चलते हैं उस विलेज में और लूट लेते हैं सारा खजाना। गाइस, कम से कम 5-6 करोड़ का खजाना तो होता यार, मज़ा आ जाता। और गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं उस गाँव में और हम यहाँ लूटामारी शुरू कर देते हैं। गाइस, काफ़ी देर तक हमने ढूंढा, पर यहाँ बस एक ही घर में डब्बा है और उसमें चेक कर लेते हैं, हमने भी नहीं देखा उसमें क्या है, और इसमें देखते हैं। गाइस, इसमें भी खजा नहीं है, गाइस ये तो पोपट हो गया यार, मतलब हमें तो भाई मिला ही नहीं यार। पर एक बार चेक कर लें बुक में क्या लिखा है यार, मतलब खाली भी यार, क्या एक बार पढ़ लेते हैं, वैसे भी क्या लिखा होगा, अपना काम का चीज़ लिखा होगा जिसने भी। क्या लिखा है, तुम्हारे टाउन में 10 करोड़ रुपया है, पहली बूझो तो 10 करोड़ जीतो, क्या पैसा ही पैसा होगा। रुकना, पहली पढ़ लेते हैं, सबसे पहले बन क्या लिखा है, बजने से सब चले जाते हैं अंदर, तू है एक नंबर का बंदर, ये क्या लिखा है यार, उस चीज के नीचे तू तोड़ जीतेगा तू 10 करोड़। गाइस, फटाफट चलते हैं पहले टाउन में, गाइस 10 करोड़ हमारे टाउन में है और हमको पता भी नहीं है यार, ये कैसी बात हो गई, फटाफट ढूंढते हैं। वैसे इस पहेली का मतलब क्या होगा यार, घड़ी, वैसे घड़ी टाइम देखना किसी का आता नहीं, घड़ी क्यों पहनेंगे। अरे गाइस, मुझे पता चल गया, पहले मुझे एक ब्लेजर चाहिए, ब्लेजर कहाँ है देखना, बजने से इसके कान के नीचे एक बजाऊंगा और ये अंदर चले, वैसे अंदर तो गया नहीं, पर जो भी है गया तो सही ना, अब इसके नीचे तोड़ता हूँ, मुझे 10 करोड़ रुपये मिलेंगे, हट रहे आगे से, और 10 करोड़ रुपये नहीं मिले गाइस, ये तो गलत बात है यार, क्या करूँ। गाइस, हम दुखी होके दोबारे से उस विलेज में आ गए हैं, एक मौका था 10 करोड़ कमाने का था, अब वो भी नहीं कमा पाऊंगा मैं, क्या करूँ मैं गाइस, क्या करूँ आखिर मैं, ये घंटा बजाऊँ क्या ऐसे टन 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 करके घंटा बजाऊँ मैं, क्या करूँ यार, मतलब बहुत गंदी बात है ये। रुकना, ये कहाँ जा रहे हैं ये गाइस, मुझे पहले का मतलब पता चल गया, इसका मतलब देखो, बजने से सब चले जाते हैं अंदर, मैं हूँ सच में बंदर, इसके नीचे मैं तोड़ता हूँ पर मुझे 10 करोड़ नहीं मिले। अरे गाइस, वो तो हमारे टाउन में होंगे ना, फटाफट टाउन में चलता हूँ, टाउन में तो एक ही जगह घंटा है, वो भी महल में, फटाफट चलते हैं गाइस और लूटते हैं उस महल को, फटाफट गाइस 10 करोड़ के मालिक बन जाएंगे। गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं महल में और यहाँ सबसे ऊपर वाले फ्लोर में है उस जो घंटा है वही है, और फाइनली हम घंटे के यहाँ पर आ चुके हैं। ये घंटी देखो गाइस, बजने से सब चले जाते हैं अंदर, घंटी बजने से सब अंदर चले जाते हैं, और सच में भाई मैं बंदर ही हूँ, इसके नीचे तू तोड़, और गाइस मिल गए मुझे 10 करोड़। गाइस चेक करो, इतने सारे पैसे, फटाफट लूटो, नोट मिल गए, हर हर नोट मिल गए गाइस, फटाफट लूट लिया हमने इसको, और हम चलते हैं फटाफट घर, कोई चोरी कर तो निकल लेगा, और चाचा को बताते हैं, अब हमारे पास भी घर, पैसा, गाड़ी, बंगला सब होगा, फटाफट घर जाके चाचा को बताएंगे गाइस, वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। और गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके घर, चाचा हमारे पास काफ़ी सारा पैसा आ चुका है, देखो ये देखो, हरे हरे नोट देखो, देखो मेरे पास, अबे मेरे को नहीं लेना तेरी मछली, अब बेचेगा मेरे को तू मछली,
भतीजे तुझे पता है मार्केट में एक नई स्कीम आई है, 2 दिन में पैसा डबल हो जा रहा है। खाली बोल रहे हो, चलो मत सच में यार, मार्केट में सच में आर्की स्कीम, 2 दिन में पैसा डबल हो जा रहा है यार। सच में गाइस, हमारे 10 करोड़ के 20 करोड़ जाएंगे इसका मतलब। चाचा फटाफट बताओ कहाँ है वो दुकान। मार्केट में ही उन्होंने अपना ऑफिस खोला है, जल्दी जा। गाइस हमारे 10 करोड़ बन जाएंगे 20 करोड़, थैंक यू चाचा। वैसे हम आ चुके हैं मार्केट, यही दुकान है आपका, यही ना, तो लो लो सारे पैसे ले लो मेरे पास, इसको डबल कर देना 2 दिन में फटाफट। मैं इनको सारे अपने पैसे दे दूँगा, ये लो हरे हरे नोट ले लो, हरे हरे नोट ले लो। गाइस फाइनली हम इनको अपने सारे पैसे दे दिए, और संभाल के रखना गाइस, 2 दिन में हमारे पैसे डबल हो जाएंगे, मुझे 2 दिन का इंतजार है। 2 days later सो गाइस, आज हो चुके हैं 2 दिन हमारे पैसे के, और हमारे पैसे 10 करोड़ से 20 करोड़ बन चुके होंगे। अब फटाफट हम उनको लेने जाते हैं, और गाइस काफ़ी खुशी हो रही है। और रुकना, शायद मेरा फ़ोन आ रहा है। हेलो, हाँ ग्रैंड भैया, जो 2 दिन में पैसा डबल नहीं कर रही थी वो कंपनी भाग गई। क्या बोल रहा है चीचो तेरी तो।